Hi student, I am Pooja. Today I am going to explain lesson 6 from behind my childhood. So can you think of any scientist who have also been statement? APJ Abdul Kalam, whose project in space, defense and nuclear technology guided India into 21st century, became our 11th president in 2002. आज इस स्टोरी में हम APJ अब्दुल कलाम, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं और बहुत ही सिंपल हैं बाय नेचर, और ही हैज़ बिल्ड सो मेनी प्रोजेक्ट इन स्पेस एंड ही आल्सो गेव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी टू इंडिया एंड ही गाइडेड टाइम टू टाइम फॉर साइंटिफिक प्रोजेक्ट. So, in 21st century, he became 11th president of India. वो 11th president थे हमारे इंडिया के, 11वें राष्ट्रपति थे. In his autobiography, उनकी एक autobiography है जो अपनी ही life के लिए उन्होंने लिखा था, Wings of Fire. He speaks of his childhood. उस Wings of Fire में कुछ pages extract किए गए हैं और उन्होंने अपने childhood की बातें discuss की हैं उस ऑटोबायोग्राफी में. तो चलिए देखते हैं APJ अब्दुल कलाम की संघर्ष भरी जीवन की कुछ बातें. आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आईलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन ईस्ट वाइल मद्रास स्टेट. जो APJ अब्दुल कलाम हैं वो अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि वो एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और जो कि रामेश्वरम में हैं, मद्रास के स्टेट में रामेश्वरम एक छोटा सा टाउन है जहाँ पे वो रह उनका जन्म हुआ. माय फादर जैनुलबद्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. इनके जो फादर हैं जैनुलबद्दीन, उनके पास ना ही संपत्ति थी ठीक ठाक और ना ही वो ठीक ठाक एजुकेशन लिए थे. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पजेस ग्रेट इनेट विजडम एंड ट्रू जनरोसिटी ऑफ स्पिरिट. और इतने डिसएडवांटेज होने के बाद में भी उनके पास बहुत इनेट मीन्स बीइंग बॉर्न, उनके पास बुद्धि विजडम थी और बहुत ही ज़्यादा काइंड नेचर के थे. तो ये जो क्वालिटी हैं विजडम और जनरोसिटी मीन्स काइंडनेस, वो बीइंग बॉर्न उन्हें मिला. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माय मदर एंड उनकी मम्मा का नाम है आशियामा. वो अपनी मम्मा को हेल्प करते थे घर के कामों में भी. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. अब APJ अब्दुल कलाम अपनी मदर के बारे में बताते हुए कहते हैं कि उन्हें ये भी नहीं पता है कि वो दिन में कितने लोगों को खाना खिलाती थी. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स एट विथ अस देन ऑल मेम्बर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर. उन्हें याद है ठीक ठाक कि हम लोगों के साथ, यानी APJ अब्दुल कलाम के साथ, आउटसाइडर घर के साथ, घर के मेम्बर्स के साथ साथ घर के बाहर के भी लोग बैठ के खाते थे. आई वॉज वन ऑफ माई ऑफ मैनी चिल्ड्रेन अ शॉर्ट बॉय विथ रेदर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक. अब वो कह रहे हैं कि चाइल्डहुड में अदर चिल्ड्रेन की तरह वो एक छोटे से लड़के थे, हाइट में छोटे थे और उनकी डिफरेंट लुक्स थी. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, मतलब उनके पेरेंट्स जो हैं बहुत ही लंबे और खूबसूरत और हैंडसम थे, फिर भी उन्हें शॉर्ट पर्सनालिटी मिली, मतलब कद में छोटे थे. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि हम अपने वंशज के घर में रहते थे, विच वॉज बिल्ट इन मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी में बनाया गया था. इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस. ये जिस घर में रहते थे वो पक्का हाउस था, ईंटे से बने हुए थे, मेड ऑफ लाइम स्टोन एंड ब्रिक्स ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम. रामेश्वरम के मस्जिद वाले गली में इनका पक्का घर था जो ईंटे से बना था. माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज. अब वो कह रहे हैं कि हमारे जो फादर हैं वो सभी तरह के लग्जरीज और कम्फर्ट चीज़ें अवॉइड करते थे. हावेवर ऑल नेसेसरी नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड मेडिसिन एंड क्लोथ्स.
वो कह रहे हैं कि मेरे फादर सभी कंफर्ट और लग्जरी चीज़ें अवॉइड करके ही ओनली प्रोवाइडेड फूड मेडिसिन एंड क्लोथ, जो बेसिक नीड्स होती हैं वो अपनी फैमिली को उन्होंने दिया। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज वेरी सिक्योर चाइल्ड। अब यार जो APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं, आई प्रोनाउन उन्होंने उनके लिए यूज़ किया है, पर्सनल प्रोनाउन यूज़ हुआ है, तो कह रहे हैं कि आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड। वो कह रहे हैं कि मेरा जो चाइल्डहुड है बहुत ही सिक्योर था, बहुत मटेरियली और इमोशनली, मतलब जो चीज़ें उन्हें बड़ी आसानी से मिल जाती थी, और इमोशनली मतलब वो उन्हें अपने पेरेंट्स से बहुत सारा प्यार भी मिला। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब दूसरा विश्व युद्ध 1939 में हुआ। व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड, जब APJ अब्दुल कलाम 8 साल के थे तब दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। फॉर रीजंस आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, वो नहीं समझ पा रहे थे किस वजह से वो विश्व युद्ध हुआ। अ सडन डिमांड फॉर टैमराइंड सीड्स एरप्टेड इन द मार्केट, और उस विश्व युद्ध के दौरान जो इमली के बीज की बहुत ज़्यादा डिमांड बाजार में हो चुकी थी। आई यूज़ टू कलेक्ट द सीड्स, अब APJ अब्दुल कलाम जो है वो टैमरिन सीड्स को कलेक्ट करते हैं एंड सेल देम टू अ प्रोविजन शॉप ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, और मॉस्क्यू स्ट्रीट गली में जाकर वो शॉप पर उन सारे कलेक्टेड टैमरिन सीड्स को बेच देते हैं। अ डे कलेक्शंस वुड फेच मी प्रिंसली सम ऑफ बनाना, तो वो कह रहे हैं कि पूरे दिन के कलेक्शन को जब उन्होंने बेचा तो उन्हें 1 आना तब 6 पैसे मिले। माय ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वो टेल मी स्टोरीज अबाउट द वॉर, अब उनके ब्रदर इन लॉ हैं जो उन्होंने इस युद्ध की स्टोरी उनको बताई। उनके ब्रदर इन लॉ का नाम जलालुद्दीन था। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिन दीना मनी, और जो भी जलालुद्दीन ने स्टोरी बताई युद्ध के लिए बाद में उन्होंने वही हेडलाइन दीना मनी न्यूज़पेपर में देखा। अवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, रामेश्वरम जो है उन्होंने कहा कि उनका एरिया जो था बहुत ही आइसोलेटेड था, वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर, और इसीलिए वो वॉर से अनअफेक्ट था, मतलब युद्ध का कोई भी असर उनके एरिया में नहीं पड़ा। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ एमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। अलाइड फोर्सेज मीन्स द आर्मीज ऑफ UK, USA एंड रशिया ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और इंडिया में बड़ी ही जल्दी एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई इवन उनके स्टेट में भी। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन, रामेश्वरम स्टेशन पर एक ट्रेन आके रुक गई। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुष कौड़ी, अब वो कह रहे हैं कि चलती हुई ट्रेन से जो न्यूज़पेपर है वो बंडल करके फेंके जा रहे थे, किस कहाँ पर कौन से रोड पे, रामेश्वरम रोड पे, जो कि रामेश्वरम और धनुष कौड़ी के बीच में है। दैट फोर्स्ड माई कज़िन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, और इसी वजह से उसका एक कज़िन था, APJ अब्दुल कलाम के कज़िन शमसुद्दीन थे जो कि न्यूज़पेपर सेल कर रहे थे रामेश्वरम में, टू लुक फॉर हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल। अब उसे किसी शमसुद्दीन को किसी की ज़रूरत थी, किसी की हेल्प मदद की ज़रूरत थी जिससे कि वो बंडल कोई कैच कर पाए। एज इफ नेचुरली आई फील्ड द स्लॉट, अब वो नेचुरली उन्हें एक जॉब मिल गया, और जो शमसुद्दीन है APJ अब्दुल कलाम को वो बंडल कैच, न्यूज़पेपर के बंडल को कैच करने वाला काम दे दिया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माय फर्स्ट वेजेस, अब APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं शमसुद्दीन जो उनके कज़िन थे उन्होंने ही उनको हेल्प किया फर्स्ट टाइम अपना वेजेस अर्न करने में, वेजेस मतलब पैसा अर्न करने में। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधे सेंचुरी बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माय ओन मनी फॉर फर्स्ट टाइम। माय डियर स्टूडेंट, जब कोई भी फर्स्ट टाइम सैलरी अर्न करता है तो उसे बहुत गर्व फील होता है, इसी तरह हमारे APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि ईयर्स बीत गए लेकिन उनका जो फर्स्ट अर्निंग था वो अभी भी याद है। ही फेल्ट प्राउड ऑन हिमसेल्फ, वो अपने आप में ही गर्व कर रहे थे। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड करेक्टरिस्टिक्स, अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक बच्चा कुछ ना कुछ वंशज के
फीचर्स लेके आता है, बॉर्न होता है इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, ट्रेंड इन सर्टेन वे बाय फिगर ऑफ अथॉरिटी। अब वो कह रहे हैं कि हर बच्चा अपने कुछ क्वालिटीज, कुछ वर्च्यूज वो इमोशनली और सोशो इकोनॉमिकली अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए रहते हैं। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं तो इनहेरिट किया हूँ, आप कह सकते हो इनहेरिटेड मतलब उन्होंने उनको ऑनेस्टी और सेल्फ डिसिप्लिन अपने फादर से मिला और अपनी मदर से उन्होंने गुडनेस और काइंडनेस वाली क्वालिटी मिली उनको। आप कह सकते हैं यहाँ पर कि फादर से उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदार और खुद को स्वयं को किस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन में रखा जाए वो उन्हें मिला, और मदर से उन्हें एक अच्छी क्वालिटी और काइंडनेस वर्च्यू मिली। एंड सो डिड माई थ्री ब्रदर्स एंड सिस्टर। अब वो कह रहे हैं कि मेरे तीन भाई और सिस्टर हैं। आई हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि उनके चाइल्डहुड में तीन ऐसे बेस्ट फ्रेंड थे, एक थे रामानाथा शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। अब वो कह रहे हैं कि ये तीनों फ्रेंड्स हमारे हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज के, ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी सोच वाले हिंदू ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। एज चिल्ड्रन नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंसेस अमंग्स अवर सेल्फ। अब बींग बच्चे होकर वो चारों आपस में कोई भी डिफरेंसेस नहीं फील की, बिकॉज अवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, क्योंकि उनका रिलीजियस डिफरेंसेस और अपब्रिंगिंग उनके बीच में कभी भी तनाव नहीं बना उनके फ्रेंडशिप में। इनफैक्ट रामानाथा शास्त्री वॉज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मणन शास्त्री, द हाईएस्ट प्रेस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल। वो कह रहे हैं रामानाथा शास्त्री वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के बेटे थे, और जो कि रामेश्वरम टेम्पल में एक हाईएस्ट मतलब एक बहुत बड़े पुजारी थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रेस्ट हुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और जो रामानाथा शास्त्री हैं अपने फादर के प्लेस पे रामेश्वरम टेम्पल में काम करने लगे एज अ प्रेस्ट। अरविंदन वेंट इन टू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर द विजिटिंग पिलग्रिम्स। अब जो अरविंदन है वो क्या करते हैं, वो विजिटिंग पिलग्रिम्स मतलब तीर्थयात्रा की विजिट करने वाले ट्रांसपोर्ट को अरेंज करने का बिजनेस शुरुआत कर दिए। एंड शिव प्रकाशन बिकेम अ कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। और जो शिव प्रकाशन थे वो कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए साउथर्न रेलवे में। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी, श्री सीताराम कल्याणम सेरेमनी में उनकी जो फैमिली है अरेंज बोट्स विथ अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड फ्रॉम द टेंपल टू मैरिज साइट। और उनकी जो फैमिली है एक बोट अरेंज करती है किसके लिए, लॉर्ड को टेंपल में ले जाने के लिए, लॉर्ड टेंपल में शादी की साइट तक ले जाने के लिए। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ विच वॉज नियर आवर हाउस। और वो कह रहे हैं कि जो जहाँ पर शादियाँ अरेंज होती है वो टेम्पल राम तीर्था था, जिसके लिए उन्हें उनके फैमिली ने बोट अरेंज की थी, और उनके घर के पास में ही वो तालाब था उस मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड राम तीर्था। इवेंट फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ प्रॉफेट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन अवर फैमिली। अब वो कह रहे हैं कि हमारी जो मदर हैं और ग्रैंड मदर हैं वो रामायण के साथ बहुत सारी स्पिरिचुअल स्टोरीज हम लोगों को सुनाती थी। वन डे व्हेन आई वाज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल। अब APJ अब्दुल कलाम अपने स्कूल की बातें बता रहे हैं, जब एक दिन वो अपने फिफ्थ स्टैंडर्ड में पढ़ते थे रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, एक नए टीचर आए उनके क्लास टीचर थे उनकी क्लास में। आई यूज़ टू वेयर अ कैप विच मार्क्ड मी एज मुस्लिम। अब APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि वो एक कैप यूज़ करते थे अपने सर पर जो कि रिमार्क था उन दिनों मुस्लिम ही पहनते थे उस टाइम। आई ऑलवेज सेट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानाथा शास्त्री। अब APJ अब्दुल कलाम अपने जाहिर सी बात है अपने फ्रेंड्स के साथ रामानाथा शास्त्री के नेक्स्ट सीट पर ही बैठते थे। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड, और जो कि एक पवित्र धागा पहनते थे, मतलब बींग अ ब्राह्मण होके वो ब्राह्मण कपड़े
यूज करते थे पहनते थे. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रेस्ट सन सिटिंग विद द मुस्लिम बॉय. कुड नॉट स्टमक मीन्स कुड नॉट टॉलरेट. जो नया टीचर है, नया अध्यापक है, उनके पेट में पच नहीं रहा था कि मुस्लिम बॉय किसी हिंदू के पुजारी के बेटे के पास बैठे. इन अकॉर्डेंस विथ आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच. और न्यू टीचर ने जैसे ही देखा उन्होंने मुझे पीछे की बेंच पे बैठने के लिए बोल दिया. आई फील्ट वेरी सैड. उस समय APJ अब्दुल कलाम को बहुत दुख हुआ. बिकॉज ऑफ कास्ट देयर इज द डिफरेंसेस क्रिएटेड बाय द टीचर्स इनसाइड द क्लासरूम. सो डिड रामानाथा शास्त्री. रामानाधा शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ बिकॉज दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड थे. तीनों क्या चारों APJ अब्दुल कलाम को मिला के. ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो. और APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि वो बहुत ही सैड थे जब मैं लास्ट सीट पर जाके बैठा. द इमेज ऑफ हिम वीपिंग वेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी. जैसे ही APJ अब्दुल कलाम लास्ट के बेंच पर बैठने जा रहे थे, उसकी अपने फ्रेंड्स के रोने की रोने वाले फेस को देखते हुए वो जब बैठने गए, वो कह रहे हैं कि उस सीन को कभी नहीं भुला सकते. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. अब APJ अब्दुल कलाम कह रहे हैं स्कूलिंग होने के बाद में मैं सब कुछ अपने पेरेंट्स को इस इंसिडेंट के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री समॉन द टीचर्स. अब लक्ष्मण शास्त्री जो हैं वो टीचर को बुलाते हैं. इन आवर प्रेजेंस, हमारे ही सामने टीचर्स को खूब हमारे ही सामने टोल द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन. अब उन्होंने लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर्स को बुलाया, उस टीचर को बुलाया, और टीचर को बुलाने के बाद में हम लोग के ही प्रेजेंस में उन्हें बोला कि बीइंग अ टीचर आपको सोशल इनइक्वालिटी की जहर, मतलब जो डिफरेंसेस है हमारे बच्चों के मन में, कभी मत क्रिएट करिए. और ये इनोसेंट चिल्ड्रन हैं, इनके बीच में हम कम्युनिटी और सोशल डिफरेंसेस नहीं चाहते हैं कि आप इनके मन में डिफरेंसिएशन क्रिएट करें. ही ब्लंटली आस्क्स द टीचर टू आइदर अपोलाइज और क्विट द स्कूल एंड द आइलैंड. और जो लक्ष्मण शास्त्री हैं वो ब्लंटली मतलब रैंडमली उनसे कह दिया कि या तो आप सॉरी बोलिए, एप्लॉइज मतलब अपनी गलती मानिए, अदरवाइज आप स्कूल छोड़कर जा सकते हैं. इवन द आइलैंड ऑल्सो, रामेश्वरम को भी छोड़ने के लिए उन्होंने कह दिया उस टीचर से. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, टीचर अपने इस बैड बिहेवियर पे बहुत पछताते हैं, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. और कन्विक्शन मतलब अ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और बिलीफ. और इस लक्ष्मण शास्त्री के इस मैसेज के कन्वे करने के बाद में उन्होंने अपने इस मैसेज के थ्रू इस टीचर्स यंग टीचर को टोटली चेंज कर दिया, रिफॉर्म मतलब चेंज कर दिया उनके बिहेवियर को. ऑन द होल द स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज वेरी रिजिड इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप. जो इस छोटे से रामेश्वरम टाउन में बहुत सारे डिफरेंसेस थे, सोशल ग्रुप्स थे. हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थ्रू एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ. उन्होंने अपनी मैथ साइंस के टीचर के बारे में बताया. शिवा सुब्रमण्यम अय्यर थे और उनके साथ उनकी बहुत ही कंजर्वेटिव, बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोच वाली कंजर्वेटिव वाइफ थी. वो समथिंग ऑफ अ रेबल, रेबल मतलब आप कह सकते हो एक तरह की विद्रोही थी, मतलब कास्ट वाइज में वो बहुत ही विद्रोह करती थी जो लो कास्ट थे और या उनसे डिफरेंट कास्ट के लोग थे. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर सो दैट द पीपल फ्रॉम वेरिंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल ईजली. अब जो शिवा सुब्रमण्यम के बारे में वो अपने साइंस टीचर के बारे में बताते हैं कि वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि जो भी सोशल बैरियर है, जो सामाजिक डिफरेंस, जो सामाजिक अंतर है लोगों के बीच में, उसे फिल करके बहुत ही ईजिली लोगों के एक साथ लाने की, एक ही प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश की उन्होंने. ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से कलाम आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटीज. अब साइंस के टीचर जो है शिवा सुब्रमण्यम बहुत ही अच्छे टीचर थे और वो कह रहे थे कलाम को कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को इतना अच्छा डेवलप कर लो कि बड़े शहरों के हाईली एजुकेटेड लोगों के
बराबर आ जाओ तुम। वन डे, एक दिन ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर द मील। अब वो कह रहे हैं कि एक दिन जो शिव सुब्रमण्यम जो साइंस के टीचर हैं उन्हें इन्वाइट करते हैं अपने घर पे खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉज हॉरीफाइड एट द आइडिया ऑफ मुस्लिम बॉय बींग इन्वाइटेड टू डाइन इन हर रिचुअल प्योर किचन। रिचुअल प्योर किचन मतलब केप्ट प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस फॉर द ऑब्जर्वेशंस ऑफ रिलीजन। अब वो उसे बहुत ही गुस्सा आता है ये आइडिया सुन के कि एक मुस्लिम बॉय उनके किचन में आके खाना खाएगा, क्योंकि जो डिफरेंस कास्ट के थे इवन मुस्लिम आर नॉट अलाउड इन हर किचन। सो शी रिफ्यूज्ड। जैसे कि हमें पता ही है कि उनकी वाइफ बहुत ही एक तरह की विद्रोही थी कास्ट के लिए, वो हमेशा डिफरेंसेस क्रिएट करती थी। शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन। अब उन्होंने मना कर दिया किचन में उन APJ अब्दुल कलाम को खाना परोसने के लिए। शिव सुब्रमण्यम अय्यर वॉजन परट्यूब्ड एंड नॉट डिड ही गेट एंग्री विथ हिज वाइफ। शिव सुब्रमण्यम अपनी वाइफ के बिहेवियर से बहुत ही अच्छी तरह से प्रचलित, मतलब उन्हें पता था कि मेरी वाइफ इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी और इसीलिए वो उनसे गुस्सा नहीं होते हैं। बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ His own hand। अब शिव सुब्रमण्यम उनके जो टीचर हैं वो खुद ही अपने हाथों से अपने स्टूडेंट को परोसते हैं खाना। एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। और वो मेरे ही बगल में, मतलब APJ अब्दुल कलाम के बगल में ही बैठ कर खाना खाते हैं साथ में। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम द बिहाइंड द किचन डोर। अब शिव सुब्रमण्यम की जो वाइफ हैं, जो उनके टीचर की वाइफ हैं, वो किचन के डोर पीछे से देख रही होती हैं। आई वंडर वेदर शी हैड ऑब्जर्व एनी डिफरेंसेस इन द वे आई एट राइस। और यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम बहुत हैरान होते हैं कि वो वहाँ किचन के पीछे वाले डोर से खड़े होके कुछ ना कुछ अंतर या डिफरेंसेस देख रही होगी कि मैं किस तरह से चावल खा रहा हूँ या कैसे पानी पी रहा हूँ। और क्लीन द फ्लोर आफ्टर द मील। और खाने के बाद उन्होंने फ्लोर को भी क्लीन कर दिया। When I was leaving his house, अब APJ अब्दुल कलाम को अच्छे से याद है जब शिव सुब्रमण्यम का घर वो छोड़ मतलब खाना खाने के बाद वहाँ से निकल रहे होते हैं, तो अय्यर invited me to join him for dinner again next weekend। फिर से उसके टीचर ने उन्हें invite किया नेक्स्ट वीकेंड में डिनर के लिए। ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, मेरे हिचकिचाहट को देख कर ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट। उन्होंने ये भी कहा कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो। सेइंग और कहा उन्होंने उसके साइंस के टीचर शिव सुब्रमण्यम APJ अब्दुल कलाम से कहते हैं, वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, जब तुम डिसाइड कर लोगे कि सिस्टम को चेंज करना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कंफ्रंटेड, इस तरह की समस्या तुम्हारे सामने हमेशा आती रहेंगी। व्हेन आई विजिटेड हिज हाउस द नेक्स्ट वीक, जब APJ अब्दुल कलाम अपने साइंस के टीचर शिव सुब्रमण्यम के घर को नेक्स्ट टाइम विजिट करते हैं, तब उनकी वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन, और उनकी वाइफ खुद ही किचन के अंदर उन्हें लेके जाती हैं और APJ अब्दुल कलाम को खाना अपने हाथों से खुद ही परोसती हैं। देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर। जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ, इंडिया बस अपने फ्रीडम को पाने ही वाला था, इंडियंस विल बिल्ड दियर ओन इंडिया, और भारतीय अपने भारत को खुद ही बनाए, डिक्लेयर गांधी जी ने कहा कि इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया, अपने भारत को खुद बनाएंगे, खुद बिल्ड करेंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड मीन्स अनपैरेलल्ड, और आप कह सकते हैं न्यू। पूरी कंट्री एक तरह से नए बिहेवियर, नए रिफॉर्म से पास आउट हो रही थी। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम। अब यहाँ पे APJ अब्दुल कलाम फाइनली अपने फादर से पूछते हैं, परमिशन लेते हैं कि रामेश्वरम को छोड़कर वो हायर स्टडी के लिए रामनाथपुरम के हेडक्वार्टर जाएंगे। किस तरह से उनके फादर ने उन्हें परमिशन दिया। ही टोल्ड मी, उनके फादर ने उन्हें कहा, एज इफ थिंकिंग अलाउड, अबुल, उनके फादर उन्हें अबुल कह के बुलाते थे, आई नो हैव टू गो अवे टू ग्रो, मुझे पता है कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए यहाँ से जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या तुमने देखा है कि सीगल सन के ऊपर से उड़ते हुए, सन को उन्होंने पूछा कि क्या तुमने देखा है सीगल को सन यानी सूर्य की तरफ उड़ते हुए, अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, अकेले और बिना घोंसले के। He quoted Khalil Gibran to my hesitant mother. Your children aren't your children. उन्होंने कहा
उनके फादर ने कहा उनकी मदर से कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं है, दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट्स एंड दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू। उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं तुमसे हुए हैं बट तुम्हारे लिए नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव बट नॉट योर थॉट्स। उन्होंने कहा उनकी मदर से, उनके फादर ने कहा कि हाँ तुम अपना प्यार उन्हें दे सकती हो बट अपने थॉट्स अपनी सोच उन पर नहीं थोप सकती, फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स। अब उनके फादर ने कहा कि उनके वो खुद के विचार होंगे, खुद के थॉट्स होंगे। तो ये जो पेजेस आपने पढ़े हैं वैल्यूएबल और बहुत ही अच्छा मैसेज APJ अब्दुल कलाम ने अपनी इस स्टोरी में दिया है कि हमें कुछ अच्छा करने के लिए अगर हमें सिस्टम को चेंज करना है तो वी हैव टू फेस द बिग प्रॉब्लम, क्योंकि सिस्टम को चेंज करने के लिए बहुत सारे लोग आपके अगेंस्ट आ सकते हैं। तो उसके लिए हमें फिजिकली एज वेल एज मेंटली आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो और सेकंड मैसेज ये है कि बीइंग अ पेरेंट्स वी शुड नॉट हैव टू ब्लेंड अवर थॉट्स टू अवर चिल्ड्रन। हम अपने एज पेरेंट्स होके हम अपने बच्चों को अपने थॉट्स थोप नहीं सकते क्योंकि उनके थॉट्स खुद के ओन के होते हैं। हाँ हम उन्हें अपने प्यार अपने अफेक्शंस अपने लव दे सकते हैं, उनको केयर कर सकते हैं बट अपनी सोच उन पर थोप नहीं सकते। सो दिस इज़ ऑल अबाउट APJ अब्दुल कलाम्स लाइफ माई डियर स्टूडेंट। इट इज़ रियली इंस्पायरेबल स्टोरी एंड आई मस्ट से यू हैव टू रीड एंड मस्ट वॉच एंड लिसन दिस वीडियो केयरफुली। थैंक यू।